सबसे पहले एक आलू लेने का, इसको टकला करने का मतलब इसको छीलने का, छीलने के बाद इसको इस तरीके से कद्दूकस करने का मतलब इसके बॉडी पार्ट को अलग अलग करने का, नचा नचा के कद्दूकस लेके ग्रेट करने का, उसके बाद अच्छे से धुलने का, इस तरह से एक छन्नी लेने का और छन्नी में अच्छे से छान लेने का। ये देखिए अच्छे से निचोड़ निचोड़ के छानने का, छानने के बाद इसको आधा घंटा अलग करके रख देने का एक बर्तन में, इसका सारा पानी ड्रेन आउट होने का। उसके बाद इधर तीन टमाटर लेने का, तीन हरी मिर्चा लेने का, ये देसी टमाटर है, इसको एक जार में लेने का और फाइन पेस्ट बनाने का। अगर प्याज खाते तो यहाँ पर प्याज भी डाल के पीस लेने का। ये पेस्ट रेडी हमारा। अब आगे देखता है, यहाँ पर बड़ी इलायची तीन लेके इसके सारे दाने निकाल के उसके छिलके फेंक के, साथ में यहाँ पे एक बड़ा चम्मच जीरा लेने का और इसको इमाम दस्ते में डाल के अच्छे से कूटने का, पीसने का नहीं रे बाबा, कूटने का। कूटने से फ्लेवर बहुत बढ़िया आता। ये देखिए ऐसे थोड़ा सा मेहनत करने का, उसके बाद ये पाउडर के फॉर्म में तैयार होने का। ये देखो इसकी खुशबू बहुत बढ़िया आता है। इसको अलग करके रखने का और ये देखिए फिर छाना हुआ आलू लेने का और इसमें इसको डालने का, इस पाउडर को डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करने का, और मिक्स करने से पहले इसमें थोड़ा सा डालने का देगी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा मतलब एक बड़ा चम्मच डालने का, स्वाद अनुसार नमक डालने का और साथ में डालने का कॉर्नफ्लावर। डरने का नहीं, कॉर्नफ्लावर नहीं है तो क्या हुआ। आधा कप मैदा, दो चम्मच बेसन डालने का और फिर अच्छे से मिक्स करने का, तैयार। देखो यहाँ पे मैंने डाल दिया है तीन से चार बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर, फिर इसको अच्छे से मिक्स करने का। यहाँ पे देखो अच्छे से मिक्स होता, उसके बाद इसके गोल गोल बाउल बनाता, बाउल खेलने वाला छोटे छोटे नींबू साइज का बाउल, नींबू ही बना लेने का। ये देखो ऐसे गोल गोल हथेलियों पे करने का, ये बाउल बन जाने का। अब इसको छोटे प्लेट में नहीं रखने का, इसको बड़े से थाली में रखने का। मैंने गलती करा, छोटी प्लेट में रखा, मेरे दो प्लेट ख़राब होता है, इसीलिए बड़े वाले थाली लेने का और बड़े वाले प्लेट में रखने का ताकि दो प्लेट ख़राब ना हो। यहाँ पे मैंने सारे बॉल को तैयार कर लिया है, देखो इसी तरीके से सारे बॉल तैयार करता है। देखो बोला ना मैंने, मेरे दो प्लेट गंदे होता, छोटा छोटा यूज किया। तो अब आप यहाँ पर एक पैन चढ़ाने का, उसमें थोड़ा तेल डालने का, तेल डालने के बाद तेल गर्म होने का, फिर अपना सारा बाउल इसमें डालने का और अच्छे से पकाने का। देखो ऐसे कुछ पकाने का, ये अच्छे से पकता, बड़ा टेस्टी लगता खाने में। ऐसे पका के भी चाय के साथ खाता, बड़ा मज़ा आता। देखो इसको अच्छे से हिलाने का, डरने का नहीं, ये फैलेगा नहीं रे बाबा, ये बड़े अच्छे से पकेगा। अब इसको एक करछी लेके अच्छे से पलटने का, एक करके आराम से पलटने का, नहीं इसको कुछ नहीं होता, मारने का पीटने का तो भी कुछ नहीं होगा, इसको अच्छे से इस तरह से पलटने का। अब देखो जी इसको जब पलट देगा तो दूसरी साइड से पकाना पड़ेगा कि नहीं, तो दोनों साइडों से अच्छे से पकाने का। और इसको देखो ऐसे, अब ये लो रे बाबा, दोनों साइड से अच्छे से पक गया ना। अब इसको एक प्लेट लेने का, प्लेट पे टिशू पेपर रखने का। अरे बाबा टिशू पेपर नहीं तो क्या हुआ, ऐसे भी रखने का। या देखो टिशू पेपर लेके एक थाली लो और थाली प्लेट में टिशू पेपर ऐसे रखने का। इससे क्या होता, थोड़ा बहुत ज़्यादा तेल होता ना वो टिशू पेपर सोख लेता। अब दूसरी बार भी ऐसे ही सारे बॉल को मैं निकाल लेती। अब बाबा चलो आगे, यहाँ पे एक पैन चढ़ाता, पैन में तीन से चार बड़े चम्मच सरसों का तेल डालता जी, तड़के में दालचीनी, बड़ी इलायची, नहीं रे बाबा बड़ी इलायची तो उधर डाला ना, तो यहाँ पे छोटी इलायची, जीरा, दालचीनी और एक तेज़पत्ता और आधी छोटी चम्मच यहाँ पे डालने का हींग। इसको अच्छे से चटकने का, ये चटक गया। अब इसको करछी से थोड़ा सा हिलाने का, तेल को बढ़िया से गर्म करने का, तभी डालने का तड़का। अब जो पेस्ट बना के तैयार किया उसको यहाँ पे डालने का, टमाटर हरी मिर्च का पेस्ट तैयार किया ना, उसको यहाँ पे डालने का, डाल के अच्छे से मिक्स करने का, साथ में एक बड़ा चम्मच देगी लाल मिर्च डालने का। ये तीखा नहीं होता, डरने का नहीं, ये तीखा नहीं होता रे बाबा, इसका कलर ही बहुत अच्छा आता है। साथ में स्वाद अनुसार नमक डालने का। अब क्या करेगा जी, इसको क्या करेगा, पकाएगा और क्या करेगा, पकने दो। साथ में आधी छोटी चम्मच हल्दी डालने का। अरे बाबा हल्दी क्यों, पता नहीं थोड़ा सा देखने में ऑथेंटिक लगना चाहिए ना रे बाबा, इसीलिए हल्दी।
देगी लाल मिर्च के पाउडर को थोड़ा सा अच्छा उबारता, इसको ढक के अच्छे से पकाता। अयो इतना बड़ा कलर, वाओ बहुत बढ़िया कलर आता जी, सारे तेल के ऊपर मसाले आ जाते। और यहाँ पे सौंफ पाउडर नहीं भूलने का, उसको ज़रूर डालने का। इससे क्या होता, शरीर में थोड़ी ठंडक होती ना, गर्मी का मौसम है। वैसे तो ये कश्मीरी कुजीन है, इसको लेकिन बढ़िया से पकाने का। ये कश्मीरी आलू रिश्ता रेसिपी है, इसको नहीं भूलने का रे बाबा, इसको ज़रूर बनाने का और टेस्ट करके हमें ज़रूर बताने का आपकी रेसिपी कैसे बनने का। इसको अच्छे से मिक्स करके पकाने का और यहाँ पे पानी डालने का। पानी मैंने बॉल वाले बना के रखे थे ना प्लेट रे बाबा, उसी में से वो पानी निकाल के यहाँ पे डाला है। ये देखो ऐसे अच्छे से मिक्स करने का। अब ये क्या बाबा लोचा डाला है, अरे लोचा नहीं रे बाबा, यहाँ पे डाला है अनार का दाना पीस के, इसको भी नहीं भूलने का। अगर अनार का दाना नहीं डालने का तो क्या, अनियन को फ्राई करो, उसको पीसो और यहाँ पे डालो, इससे भी बहुत बढ़िया टेस्ट आने का। अब क्या डालने का, अरे बाबा जो रिश्ता बना के रखा है वो तो हमेशा बना के रखना पड़ेगा ना, तो वही डालने का। यहाँ पे आलू रिश्ता रेसिपी है, तो यहाँ पे सारे फ्राई किए हुए आलू डालने का रे बाबा और इसको अच्छे से मिक्स करने का। अब क्या करने का, अब क्या, एक बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, एक छोटी चम्मच जीरा पाउडर, इसको अच्छे से मिक्स करने का। देखो बहुत बढ़िया डार्क कलर आएगा इसका, खाने में बहुत ही ऑथेंटिक लगता। आधी छोटी चम्मच गरम मसाला, ज़्यादा नहीं बाबा, आधी छोटी चम्मच, इसको भी अच्छे से मिक्स करने का। ये देखो खुशबू तो बहुत बढ़िया आता। कोई लोग बोलता ना 10 मिनट में तैयार है, अरे बाबा उन लोगों के बातों में नहीं आने का, 10 मिनट में ये रेसिपी नहीं तैयार होने का, कम से कम 1 घंटा से 1.5 घंटा तो लग ही जाएगा। और इसको मेहनत करके खाने में जो मज़ा ना, बहुत मज़ा आता। एक गिलास पानी डाल देने के रहा बाबा एक ही बार में और अच्छे से मिक्स करने का। ये देखो ग्रेवी अलग होता और रिश्ता हमारा, मतलब आलू का रिश्ता अलग होता, ऑथेंटिक टेस्ट लेके आता। कश्मीर के लोग इसको बहुत पसंद करता। वैसे तो रिश्ता बनता रहे बाबा चिकन मटन के साथ, लेकिन क्या हम तो चिकन मटन नहीं खाता, तो क्या करता, तो ऐसे ही बनाएगा ना। ये देखो इसको अब ढक के एक उबाल आने तक छोड़ता। देखो जी बॉयल आना बहुत ज़रूरी होता, तभी तो सब्जी का टेस्ट अच्छे से चारों तरफ फैलता है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा गुड़ डालने का, गुड़ इम्पॉर्टेंट, गुड़ नहीं तो चीनी, पर अगर गुड़ तो गुड़ डालने का और साथ में घी डालने का। यो ये तो क्या होया, एक बार ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई करने का और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने का। अरे बाबा कहाँ जा रहे हो, सब्सक्राइब भी करने का, बिना सब्सक्राइब किए हुए नहीं जाने का। और हमारा कश्मीरी आलू रिश्ता तैयार होने का बाबा, देखा भाई, देखो ना अब बनाओ और खाओ, मेरे को ज़रूर बताओ और अगले वीडियो का इंतज़ार करो, मैं ऐसे ही अच्छी अच्छी रेसिपी लेके आएगी। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू बाबा।